Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंग्री स्पून चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। आज हम अचारी भरवा बैंगन बनाएंगे। जब आपको चटपटा मसालेदार कुछ खाने का मन हो तो आप इन्हें जरूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। चटपटे तो होते ही हैं, साथ में किसी भी पराठे या चपाती के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इन्हें टिफिन में बच्चों या बड़ों को दे सकते हैं। तो आइए इन्हें फटाफट बनाना शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू अपडेट्स मिलती रहे। इस तरह से हमें छोटे साइज का बैगन आता है से ले लेना है और बैगन हमारा फ्रेश होना चाहिए और इस तरह से हरी डंडी होनी चाहिए जिससे पहचान है कि हमारा बैगन फ्रेश है और ताजे हैं। भरवा बैगन के लिए छोटे बैगन आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और आसानी भी रहता है आपको उसको सर्व करने में। इसलिए हमने यहाँ पे छोटे साइज का आधा किलो बैगन ले लिया है और इन बैगन को हमें इस तरह से इसी ये पीछे वाले पार्ट को जो हरा है थोड़ा सा हमें इसको हटा लेना है। आप ना भी हटाएं तब भी चलेगा। और इस तरह से हमें 20 से एक कट करना है और फिर उसके बाद एक कट और करना है हमें और इस तरह से चार हिस्सों में हमें इस तरह से कट कर लेना है ताकि इनमें मसाले हम भर सके अच्छे से। और अगर चार कट आप इस तरह से करेंगे तो इसके अंदर अगर कीड़े होंगे वो भी दिखाई दे देंगे। तो अगर बैगन हमारा खराब है तो उसे हम हटा देंगे। तो इस तरह से हमने ये चार कट कर लिए हैं और एक एक करके हमें इन सारे बैगनों को कट कर लेना है। इस तरह से ये हमारे सारे बैगन कट गए हैं। अब हमें इनका मसाला तैयार कर लेना है और मसाले के लिए हमने यहाँ पे एक चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है। इससे इसका बैगन में फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इनके साथ एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट के बजाय आप उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। और इनके साथ लाल कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी एक चम्मच हमने यहाँ पे लिया है। आप तीखा जितना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें मिर्ची की क्वांटिटी कम और ज्यादा कर सकते हैं। बैगन है थोड़ा चटपटा रहता है तभी खाने में मजा आता है। तो हमने यहाँ पे एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च लिया है। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हमने 1/4 स्पून हींग लिया है और इसके साथ रेगुलर जो नमक है वो एक चम्मच, आधा चम्मच हमने यहाँ पे काला नमक लिया है। काला नमक से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। और यहाँ पे हमने गरम मसाला लिया है एक चम्मच, बड़े वाले चम्मच से एक चम्मच हमने। और इसमें अचार का मसाला जाएगा, मिक्स अचार का जो मसाला आता है हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपने बनाई है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी आप उसे जरूर देख ले। एक चम्मच इसमें धनिया जाएगा, धनिया पाउडर। एक चम्मच अमचूर पाउडर जाएगा। भुना हुआ जीरा आधा चम्मच जाएगा इसमें और 1/4 स्पून इसमें हल्दी जाएगा। और यहाँ पे हमने कस्तूरी मेथी लिया है आधा चम्मच, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हमने बाइंडिंग के लिए ताकि इसमें बैगन में आपस में चिपके रहे मसाले निकले ना जब हम तेल में डालें, तो इसके लिए हमने एक चम्मच बेसन लिया है। आप चाहे बेसन भुना हुआ भी ले सकते हैं और कच्चा भी, दोनों ही इसका फ्लेवर इसमें अच्छा आएगा। और इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। अब एक एक करके हमें इन बैगन को इस तरह से, बैगन को आप ज्यादा देर पहले काट के नहीं रखें, इधर आप मसाला सारा तैयार रख लें और फिर उसके बाद बैगन काटें, नहीं तो क्या है बैगन आपके काले हो जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें, अगर आप बैगन काट भी रहे हैं तो आप उसको नमक के पानी में डालें फिर उसके बाद उसका पानी निकाल करके उसको ड्रेन कर लें उसका।
इस तरह से इसके बीच में हमें मसाले को स्टफ कर लेना है। बहुत ही अच्छा लगता है ये पराठे के साथ, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं क्योंकि ये चटपटा स्वाद होता है अचार का जरा सा, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से एक एक करके ये सारे बैगन हम भर लेंगे अच्छे से, चारों तरफ से हमारे ये मसाले लग जाए। इस तरह अब हमारे सारे बैगन में ये मसाले भर गए हैं। अब इन्हें हमें डीप फ्राई नहीं करना है, हमें सैलो फ्राई करना है। और सैलो फ्राई के लिए हमें यहाँ पे एक पैन ले लेंगे और पैन को हमें मीडियम फ्लेम पे, शुरू में मीडियम फ्लेम पे रखना है हमें। इस पैन में हमें, हमने यहाँ पे बैगन को, अचारी बैगन को बनाने के लिए मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। कोई भी अचार का आप रेसिपी बना रहे हैं उसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब एक एक करके बैगन हम सारे इसमें रख लेंगे। गैस का फ्लेम हमें स्लो कर देना है ताकि हमारे बैगन अंदर से गल भी जाए और लाल भी हो जाए, और बीच बीच में हमें इन्हें घुमाते जाना है ताकि इसको पलटते जाना है, चारों तरफ से हमें इसे लाइट गोल्डन कलर का करना है। इसे हमें कवर कर देना है, 2 से 3 मिनट के लिए हमें कवर करना है और फिर खोल करके इसे हमें फिर घुमा लेना है। 2 से 3 मिनट हो गया है इनको पकते हुए, अब हमें इसे पलट लेना है। इस तरह से हम बीच बीच में इसको पलटते जाएंगे ताकि चारों तरफ से हमारा एक अच्छा सा कलर आ जाए और बैगन भी पक जाए। कवर कर देना है हमें बैगन को पकते हुए। 4 से 5 मिनट और हो गए हैं और ये देखिए हमारा बैगन तैयार हो गया है। चारों तरफ से ये कलर बहुत ही अच्छा इसका आया है और बैगन भी हमारे गल गए हैं। अब इन्हें गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब ये हमारा सर्व करने के लिए अचारी बैगन तैयार है। और इसे हमें हरी धनिया से गार्निश कर लेना है। इस तरह से ये हमारा हरवा बैगन बनकर तैयार हो गया है। आप जरूर इसको ट्राई करें। अचारी भरवा बैगन तैयार है। आप इन्हें बनाकर फ्रिज में 4 से 5 दिन तक आराम से रख सकते हैं। इन्हें आप पराठे से, रोटी से खा सकते हैं। और हमारे हंग्री स्पून चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप अपना, अपने परिवार का, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद हंग्री।